सितम गर ये गुर्बत क्या करे। मैं खोल रहा था उसे देख देख के कैसे भाई की गाड़ी से उतर के वो शहरोज की महकी वाली गाड़ी में जाके बैठी। उसका मुदास देखने पड़ता था। शहरोज भी आया था वहाँ पे? जी, मैडम को पिक करने आया था। सदफ नहीं, मुझे उष्णा अच्छी लगती है। अच्छी लगती है? क्योंकि अब तुम्हें उष्णा अच्छी लगती है तो तुम ये चाह रहे हो कि फौरी तौर पे जाके ज़ैनब से उष्णा का रिश्ता मांग लें तुम्हारे लिए। मेरे बेटे ने कौन सा गलत काम कर दिया है? एक लड़की घर की उसे पसंद आ गई, उसने अपनी माँ को बता दिया, बुराई क्या है इसमें? अब तुम्हें कोई बुराई नजर नहीं आ रही उष्णा में? जब इन्हें इनकी गलती का एहसास हो गया तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैंने दिल से इन्हें माफ कर दिया। उष्णा का फैसला है इसलिए रुक रहे हैं, लेकिन आइंदा कभी अपनी माँ को इस तरह शर्मिंदा मत कीजिएगा शहरोज। ये माफी मैंने सिर्फ और सिर्फ अम्मी के कहने पर मांगी है। अगर तुम्हें लगता है ना कि मैं झुक गया हूं तो ये ख्याल अपने जहन से निकाल देना। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अम्मी को कंट्रोल करके इस घर पे राज करोगी? ठीक है, मैं भी देखता हूं कि तुम कैसे इस घर में चैन से रहती हो। बहुत शौक है तुम्हें इस घर में रहने का, है ना? तो रहो, तुम्हारा एक एक लम्हा अगर मैंने तकलीफ में ना बदल दिया ना तो मेरा नाम भी शहरोज नहीं होगा। इस घर से भागने के बहाने ढूंढोगी और मैं सारे के सारे रास्ते बंद कर दूंगा। बहुत खुशी हो रही है मुझे, आपके जैसे शख्स को ऐसे माफी मांगते हुए देखकर। मैं क्या हूं, मेरी अहमियत क्या है, इसका अंदाजा तो आपको हो ही गया होगा। आपकी मामा ये घर छोड़कर जाने को तैयार थी मेरे लिए। आप जानते हैं कि मैं यहां क्यों रुकी? आपकी वजह से। मैं चाहती हूं कि इस घर में रहकर हर पल मैं आपकी नजरों के सामने रहूं, और आपको गुस्सा आए, आप झुंझलाएं, लेकिन आप कुछ कर ना सकें। और आपकी यह हालत देखकर मुझे बहुत खुशी होगी, और मैं उस खुशी को महसूस करना चाहती हूं। बुलाया बीबी को? आंटी, आपने मुझे बुलाया था? जी बेटे, बैठो। आपने शहरोज को दिल से माफ कर दिया? जी, मैं कोशिश करूंगी।
दिल का बुरा नहीं है मेरा बेटा, बस थोड़ा जज्बाती है। मेरी माजूरी के बाद से सारी दुनिया से नाराज रहने लगा है। पहले तो लगता था सिर्फ वहाब से ही बहुत ज्यादा नाराज है, पर अब मुझे लगता है अपने आप से भी बहुत नाराज है। पता है मुझे आप में शहरोज का अक्स नजर आता है। जी मैं समझी नहीं आंटी। आपने भी जैनब को माफ नहीं किया ना इस शादी के लिए, नाराज हो उससे। आंटी मैं अपने बाबा की जगह किसी और को नहीं दे सकती। देनी भी नहीं चाहिए बेटे, आपके बाबा की जगह कोई ले ही नहीं सकता। लेकिन आपकी माँ ने आपके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है इसका अंदाजा है आपको? कैसी कुर्बानी? उन्होंने तो मेरी जिंदगी का तमाशा ही बनाकर रख दिया। खुद को दाव पे लगाने से बढ़के कोई कुर्बानी हो सकती है दुनिया में? आपकी माँ ने आपके भले के लिए खुद को दाव पे लगाया है। सुलह कर लो उससे, उसे सुकून मिल जाएगा। बहुत बेसुकून है। आज जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ, जिस अज़ियत और तकलीफ से तुम गुजर रही हो, उसकी जिम्मेदार मैं हूं, सिर्फ मैं। माफी भी मांगना चाहूं तो मुझे लफ्ज नहीं मिलते। मैं सिर्फ तुम्हारी गुनाहगार नहीं हूं उष्णा, तुम्हारे बाबा की। उनसे क्या हुआ वादा नहीं निभा सकी मैं। कुछ बोलो, कुछ तो कहो, मुझे बुरा भला कहो, मेरे से नाराज गुस्सा करो मुझ पर। शायद एहसास नदामत कुछ कम हो मेरा, तुम्हारी यह खामोशी मेरा दिल चीर देगी। क्या बोलूं, जिन लड़कियों के सर से उसका बाप का साया उठ जाता है उनकी जुबान तो सबसे पहले गिरवी रख ली जाती है। आज मैं वहां खड़ी हूं जहां मेरी जुबान भी सोच का शिकार है। आज तो मैं बेधड़क बोल भी नहीं सकती। जानते हैं क्यों? क्योंकि ना मेरे पैरों तले जमीन है और ना सर पे आसमान। किस भरम में बोलूं? आपको भी इल्जाम देने से क्या फायदा? अगर कोई फायदा हो तो मैं चीखूं चिल्लाऊं, ये तो बस एक ही दुआ है। इस दुनिया में
कभी भी किसी भी लड़की को उसके बाबा से छोड़ कर ना जाए, क्योंकि फिर वो लड़कियां बेसहारा हो जाती हैं। जब वो बेसहारा हो जाती हैं तो उनको बोलना जेब नहीं देता। Menaz, I'm getting late. आ गई। ये लीजिए। Thank you. अच्छा सुनिए, वो मैं कह रही थी कि ज़ैनब और उष्णा को डिनर पे बुला ले, क्या ख्याल है आपका? ये अचानक बैठे बैठा ये ख्याल तुम्हारे ज़हन में कहाँ से आया? अरे भाई, रिश्तेदारी बढ़ानी है और ज़ैनब की शादी के बाद हमने ज़ैनब और उष्णा की कोई बाकायदा दावत ही नहीं की है, तो ये उनका मैका है ना, अच्छा नहीं लगता, उनका भी तो हक है ना। ठीक है बुला लो, लेकिन भाभी से पूछ लेना। भाभी से पूछने की क्या जरूरत है, सब कुछ मैं खुद ही कर लूंगी। आपकी तो इजाजत है ना। जैसा तुम्हारा दिल चाहे, तुम्हें अच्छा लगता है, बुला लो। थैंक यू, जल्दी आ जाएगा इंशाल्लाह। सी यू। अब मजा आएगा। ऐसी तैयारी करूंगी कि चल जाएंगे सब। मुझे यकीन है कि आज मुझे यहाँ अचानक देख के आप लोगों को हैरत हो रही हो। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। असल में शादी के बाद लड़की का मैका तो खत्म नहीं होता ना, बल्कि अपनेपन का रिश्ता तो हमेशा रहता है। ज़ैनब का मान अल्लाह पाक सलामत रखे। बस मैं चाहती हूँ कि आप लोग खाने पे हमारी तरफ आए। दावत? क्यों, मैं तुम्हें और इन सबको खाने की दावत नहीं दे सकती क्या? नहीं नहीं, हाँ ज़रूर, लेकिन बस तो फिर आप लोग सब आ रहे हैं खाने पे। वहाब भाई आप तो ज़रूर आइएगा, ज़ैनब की नस्बत से आप तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं हमारे घर के लिए। वैसे भी आज तक कभी आपके साथ बैठकर बातें करने का मौका ही नहीं मिला, आप आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। वो तो सब ठीक है बहन, लेकिन ना ना आना इसका फैसला तो ज़ैनब करेगी। लो भाई ज़ैनब, आने ना आने का सारा फैसला तो तुम पे डाल दिया है इन लोगों ने। अब जल्दी से फैसला करके बताओ, ताकि मैं भी घर जाके खुशी खुशी सबको बताऊँ कि तुम लोग आ रहे हो। हाँ हाँ ज़रूर, हम आएंगे। ये हुई ना बात, दिल खुश कर दिया। आप कुछ लेना चाहे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ैनब, शहरोज को भी साथ लेकर आना ना। हाँ। एक्सक्यूज मी, मेरा ख्याल है थका हुआ है बेचारा। खैर कोई बात नहीं, चलें जी, मुझे इजाजत दीजिए, आप लोगों से खाने पे मुलाकात होती है इंशाल्लाह। जरूर इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखना ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम आप भाई। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़। नमक मिर्च देख लिया था जी, और मीठे का क्या किया? वो बना के फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया। अच्छा किया, देखो किसी चीज की कमी ना रह जाए। हैं अरे वाह वाह, बड़ा एहतमाम किया जा रहा है। कोई आ रहा है क्या? कुछ खास मेहमान आ रहे हैं। खास मेहमान? लेकिन तुमने मुझे तो नहीं बताया है सब कुछ। अरे भाभी, अब क्या इस घर पे मेरा इतना भी हक नहीं है?
कि अपनी मर्जी से मैं यहाँ किसी मेहमान को बुला लूँ? अपना हक जिताने का एहसास कुछ ज्यादा नहीं उठ रहा तुम्हारे अंदर? अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको कुछ चाहिए तो बताएं। मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं ले लूंगी, तुम जहमत ना करो। अच्छा सुने, नूरी को तंग मत कीजिएगा, ऐसा ना हो नमक मेरे से इधर उधर हो जाए। मैं जरा लाउंज चेक करूँ। नूरी जलना नहीं चाहिए सालन। अच्छा नूरी, तुझे पता है कौन आ रहा है? नहीं बेगम साहिबा। ये घुन्नी कहां से बताएगी? पता नहीं कौन सा नया चांद चढ़ाने लगी है ये मैनाज बेगम। नूरी बात सुन, मेरे लिए सूप बना के दे पहले, छोड़ ये सब कुछ। जी अच्छा। फौरन। अरे वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेटी बहुत खूबसूरत लग रही है। आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। दिल रखने के लिए कह रही हो ना? नहीं सच कह रही हूँ, ये कलर आप पर वाकई बहुत सूट कर रहा है। अच्छा इधर आए जरा, ये देखिए। मुझे तो सबसे ज्यादा ये अच्छे लग रहे हैं, ये आप पर बहुत अच्छे लगेंगे, मैं पहना देती हूँ। नहीं अपने लिए नहीं, आपके लिए मंगवाया है ये सब। आज आप पहली बार मेरे घर से मेरी बेटी के तौर पे तैयार होके जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ आप कुछ खूबसूरत पहनें, ठीक है? ये पहन के दिखाओ मुझे। लेकिन मैं पहन के तो दिखाएं। बहुत खूबसूरत लग रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बाल क्यों आगे किए पीछे करो, बहुत अच्छे लग रहे थे। हाँ ऐसे रखें। आप जा रही हैं? आप तैयार नहीं हो? नहीं मैं जाके क्या करूंगा। बेटे सब जा रहे हैं, आप भी चलो। बुलाया उन्होंने सबको, आपको तो खास तौर पे बुलाया है। हाँ लेकिन मैं किसी को जानता नहीं हूँ ना वहाँ पे, तो मेरे जाने का क्या फायदा? अच्छा चलिए जैसे आपकी मर्जी। सायरा बेटे मेरे जूते लाओ। ये बेटे आप सब संभाल लेना। जी वैसे उधार की चुड़ी बहुत अच्छी लगती हो तुम। ये तो अपनी अपनी पर्सनालिटी की बात है कि मैं उधार के कपड़ों में भी अच्छी लगती हूँ, और आप माशाल्लाह से अपने खुद के ब्रांडेड कपड़ों में भी अच्छे नहीं लगते। खाने का फौरन बाद ना मीठा फ्रिज से निकाल के लगा देना। आ गए आ गए गेस्ट आ गए। जो देखो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसी हो तुम? तो बहुत मुझे जी अस्सलाम वालेकुम। अम्मी चाची जान तो आपसे भी ज्यादा तेज निकली, इरादा क्या है? वो तो बाद में पता चलेगा, पहले मिस मैनास को तो पता करो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है? अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, कैसी हो? कैसी हो उष्णा? अस्सलामुअलैकुम भाई। महनाज ने तो हमें बताया ही नहीं कि आप लोगों को बुलाया है इसे खाने पे, वरना हम तो आप लोगों का शायाने शान इस्तकबाल करते। ये मेरा बेटा हुज़ैफ़ा, बहुत ही काबिल है। जी जी बहुत ही काबिल है, इसकी काबिलियत के तो पूरा घर गवाह है। आइए आइए प्लीज अंदर आइए। अल्लाह उष्णा कितना याद किया मैंने तुम्हें, तुम ठीक हो ना? अच्छा अम्मी बस खाना खाना लगाना। हाँ चलो चलो आइए आइए। तुम्हें कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था ना, कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी मुझे। वो सामने थे और मैं हैरान खड़ी उनको देख रही थी, क्या सोच रहे होंगे वो लोग। भाभी कोई कुछ नहीं सोच रहा। अच्छा और मैंने कोई किसी गैर को थोड़ी बुला लिया था घर पे, ज़ैनब इस घर की बेटी है, मैंने उसी को बुलाया था।
किसी गैर को थोड़ी घर का रास्ता दिखा दिया जो आप इतनी बातें सुना रही हैं। देख रही हूँ मैं, बहुत पर पुर्जे निकल गए तुम्हारे। अरे आप थोड़ा सा बस, थैंक यू मेरे पास। कबाब बहुत अच्छे मैंने कबाब बनाए। आप ये भी लीजिए ना, दो तरह उठा के। बेटे है मेरे पास। आप तकल्लुफ क्यों कर रही हैं? अच्छे से खाइए। अरे क्यों करेंगी तकल्लुफ, मैंने बनाया आखिर सब कुछ अपने हाथों से। थैंक यू बेटे, इतना तो मैं खा ही नहीं सकती। अब नेक्स्ट टाइम ना आप लोग मेरी दावत पर आएंगे और आप देखिएगा कि मैं इससे ज्यादा अच्छा इंतजाम करूंगी। सारे खाने आप लोगों की मर्जी और पसंद के बनेंगे। वैसे शहरोज आ जाता तो बहुत अच्छा था ना, उसकी बड़ी कमी महसूस हो रही है हमें। एक्चुअली उसको अचानक कोई काम आ गया था ऐसा उसका कि वो आ नहीं सका, वरना जरूर। अच्छा चले, जब मैं दावत करूंगी ना तब ले आइएगा उसे। उष्णा ये लो, उष्णा तुम्हारी तो बिल्कुल ही प्लेट खाली है, बहुत बुरी बात है। चलो जल्दी से बेटा, नूरी कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ बेटा सबके लिए, जल्दी से जाओ। ये बच्चा क्या करता है? बताओ सैफा। MBA कर रहा है अभी। सब कुछ कैसा लगा? सब बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। और तुम्हें अश्ना? बहुत अच्छा। आपके लिए ज़रा सही नहीं रहा ना, मुझे पता है आप मिर्चें बिल्कुल नहीं खाती, परहेजी खाना खाती हैं, वो बस जहन से ही मेरे निकल गया आज। अरे नहीं नहीं, परहेजी तो मैं रोज़ खाती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगा ये चेंज। चलें ये तो अच्छी बात है। हुज़ैफ़ा वो ज़रा मेरे कमरे में गिफ्ट्स पड़े हुए हैं जो हम लोग सबके लिए लेकर आए थे ना, वो ज़रा जल्दी से लेकर तो आओ। ये क्या तकल्लुफ किया तुम आपने? अरे पहली दफ़ा आप लोग घर आए खाने पे, ऐसे खाली हाथ थोड़ी जाने दे सकती हूँ आप लोगों को, अच्छा नहीं लगता। और बस थोड़ा बहुत सबके लिए, बेटी आई है घर, कुछ तो करना चाहिए था ना। थैंक यू। नईमा बहन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अब आप लोगों को हमारी दावत पर आना है, फिर देखिएगा कैसे इंतजाम करवाती हूँ मैं आपके, अच्छे से अच्छे गिफ्ट्स लेके रखूँगी। मेरी सदफ तो बहुत अच्छा चाइनीज बनाती है, उष्णा को भी तो इसी ने सिखाया है। हाँ जी। मुझे पता था कि तुम यहीं पे मिलो। इस घर में एक यही गोशा तो अजीज है मुझे, बहुत यादें जुड़ी हैं इस कमरे से। वो तो है, इंसान जहां पे रहा होता है उसे वो गोशा बहुत अजीज होता है। बिल्कुल। और अगर वहां हकीकत का तर्क सफर भी तय किया होना तो उसे फरामोश नहीं कर सकता। लेकिन अब तो सब बदल गया। हाँ बदल तो गया है और कीमत भी चुकाई है। खैर
अब इन बातों से क्या फर्क पड़ता? एक बार फिर से इस घर में आने के लिए तैयार हो जाओ, पूरे मान के साथ। मैं समझी नहीं। बहुत जल्द समझ जाओगे। अगर आप नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। अनजान तो तुम कभी भी नहीं थी, ना मुझसे ना मेरे जज्बों से। बहुत अच्छी लग रही है। मामा इंतजार करेंगे। वैसे ठीक से बात भी नहीं हुई मेरी और तुम्हारी। ऐसी कौन सी बात करनी थी आपने? मैंने तुम्हारी और अपनी, दिल लग गया तुम्हारा वहां पे? हाँ, इस घर के दरो दीवार इतने तंग हो गए थे कि वहां मजबूरन दिल लगाना ही पड़ा। वैसे शुरू से तुमसे इतने फासले पे रहा कि ये बताने का मौका भी नहीं मिला कि तुम्हारी मामा और तुम्हारे साथ कितना गलत हुआ। इनफैक्ट मामा को भी रियलाइज हो गया है, इसीलिए उन्होंने ये सारी अरेंजमेंट तुम लोगों के लिए की हैं। और देखो कितने सारे गिफ्ट भी तुम्हारे लेके आया हूँ मैं। चलो शुक्र है, किसी को तो एहसास है इस बात का। फिर से अगर तुम्हें इस घर में आके रहना पड़े तो क्या तुम यहाँ रहना पसंद करोगी? और ऐसा क्यों होगा? क्यों नहीं हो सकता, मेरे हवाले से? आपके हवाले से? मेरा ख्याल है सब इंतजार कर रहे होंगे, चलें। हाँ ठीक है, चलते हैं, लेकिन बस इतना बता दो कि मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ। कैसा सवाल? बहुत आसान सवाल है, अगर तुम जवाब देना चाहो तो। वो मैं, मेरी फ्रेंड की कॉल है, आप ये प्लीज गिफ्ट ले जाकर वो मानी को दे दें। हम सोचते ही रह गए और चाची चार चल गए। तुम ठीक कह रही हो, आपने नहीं देखा था सेफा किस तरीके से उष्णा से चिपक रहा था और चाची ने दोनों को बाहर भेज दिया। इससे तो साफ जाहिर होता है ना कि चाची के दिल में क्या है और आज की दावत का मकसद क्या था। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, वो चाल चल गई और हमें पता ही नहीं चला। नहीं, मैं उसे जीतने नहीं दूंगी। सुफियान उष्णा को पसंद करता है ये बात अच्छे से जानती है मैनाज, फिर भी वो जैफा उष्णा की शादी के ख्वाब देख रही है। क्यों ना देखें, बला की लालची है वो। और मामा आपने बिल्कुल भी देर नहीं करनी, फौरन से रिश्ता डाल देना। हाँ बेटा, नहीं करूंगी देर, बस कल होने दो, अब के बार मैं इसे नहीं जीतने दूंगी। शुक्र है अल्लाह का, उन्होंने खाना वाना पसंद आ गया सारा। हाँ मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इतने दिनों बाद तुमने जबरदस्त दावत अरेंज की है। हाँ, मैनाज गिफ्ट, आज तो तुमने हद ही कर दी। तुम्हें इतना भी गवारा नहीं हुआ कि तुम हमें बता देती कि तुम जैनब और उसकी फैमिली को इनवाइट कर रही हो? ऐसा भी क्या हो गया भाभी, एक डिनर ही तो किया है मैंने। तुम्हें कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था ना, कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी मुझे। वो सामने थे और मैं हैरान खड़ी उनको देख रही थी, क्या सोच रहे होंगे वो लोग। भाभी कोई कुछ नहीं सोच रहा। अच्छा, और मैंने कोई किसी गैर को थोड़ी बुला लिया था घर पे। ज़ैनब इस घर की बेटी है, मैंने उसी को बुलाया था। किसी गैर को थोड़ी घर का रास्ता दिखा दिया जो आप इतनी बातें सुना रही हैं। देख रही हूँ मैं, बहुत परपुरजे निकल गए तुम्हारे। सारी जिंदगी आपके अंगूठे के नीचे रह के गुजार दी मैंने, अगर एक सरप्राइज डिनर रख ही लिया तो इसमें इतनी बड़ी क्या कयामत आ गई। एक मिनट मेरी बात सुन लें दोनों खवाती, मतलब एक छोटी सी दावत दी है, अब इसमें जज्बाती होने की कौन सी ऐसी बात है। तुम भी जरा मोहताज रहा करो ना मेहनाज।
क्यों क्यों मोहतात रवैया रखूं? क्या ये सिर्फ इनका घर है, मेरा घर नहीं है क्या? मैं कुछ नहीं कर सकती इस घर में। बस महनाज, बस। इस घर की बड़ी बहू मैं हूं, इसलिए आइंदा ख्याल रखना, आइंदा अपनी कोई मनमानी ना करना, समझा दो अपनी बीवी को। ये होती कौन है मुझे इस तरह बातें सुनाने वाली, और आप चुप करके बैठ के सुन रहे हैं इनकी बातें। इस घर में मेरा भी पूरा पूरा हिस्सा है, मैं अपनी मर्जी से इस घर में कुछ नहीं कर सकती। ये होती कौन है कुछ भी कहने वाली, जितनी वो बहू है मैं भी उतनी बहू हूं इस घर की, मेरा जो दिल चाहेगा वो मैं करूंगी, समझे? ये भाई साहब भी अजीब हरकत की है, मतलब तोप के धारों के आगे मुझे रख के बदनी खुद का गायब हो गए। अस्सलाम वालेकुम। अरे भाभी आप यो अचानक? हाँ, आज मैं तुमसे एक बहुत अहम बात करने आई। क्या क्या बात? बैठने के लिए नहीं कहोगी? आया है, आए आए। अरे भाभी आप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक है। महनाज तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ आ रही हो, हम बताते थे तो हम साथ ही आ जाते। भाभी आपने भी तो मुझे नहीं बताया ना कि आप यहाँ आ रही हैं। भाभी चाय पियेंगे आप? अरे नहीं नहीं थैंक यू। पहले जिस मकसद के लिए आई हूँ वो बात तो कर लूं। हाँ मैं भी अपनी ख्वाहिश का इजहार कर लूं। दरअसल मैं आज उष्णा का हाथ मांगने आई हूँ अपने बेटे सुफियान के लिए। बस आज से उष्णा मेरी बहू है। क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं? नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। हाँ ये मैंने इसके बारे में भी कुछ सोचा नहीं है, कुछ कुछ नहीं सोचा मैंने। ज़ैनब पहले सवाल मैंने डाला था, मैंने तुम्हें फोन पे ही बता दिया था कि मैं हुज़ैफ़ा की दुल्हन उष्णा को बनाना चाहती हूँ। तुम थोड़ी देर बैठो तो सही। बैठो बैठो बैठो, प्लीज मेरी बात तो सुन लो। देखो तुमने जो करना है किसी ने रोका नहीं है, तुम सोच लो समझ लो, लेकिन अंगूठी तो मत उतारो ना, पहने रहने दो उसको। ये तो बहुत ही कमाल बात हुई है, एक ही दिन में दोनों भाभियां अपने बेटों का रिश्ता लेके आ गई हैं उष्णा के लिए। ज़ैनब तुम हुज़ैफ़ा का रिश्ता उष्णा के लिए कैसे कबूल कर सकती हो? तुम जानती हो सुफियान और उष्णा एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। आप लोगों को गलत फहमी हो रही है, मैंने अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं किया है। ये भाभी ये अंगूठी रखे, मैं नहीं रख सकती ये। हाँ ठीक है, तुम सोच समझ के जवाब दे देना, तुम्हें तो अंदाजा ही नहीं है सुफियान तो इस बात को लेके इतना खुश है कि मैं बता नहीं सकती। भाभी प्लीज बस कर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तुम भले अभी ये अंगूठी उष्णा को ना पहनाओ, लेकिन मैं ये अंगूठी वापस लेके नहीं जाऊंगी। मैं ये अंगूठी उष्णा को दे रही हूँ, इसका दिल चाहेगा तो पहन लेगी ये खुद। ना करे भाभी ऐसा। अंगूठी का क्या है भाई, वो तो हम भी 10 ला दे, वैसे भी उतरन पहनना अच्छा तो नहीं लगता ना। तुम बस एक बार मेरे हुज़ैफ़ा के लिए हाँ कर दो, फिर देखो मैं क्या कुछ नहीं करती उष्णा के लिए। मैं आप लोगों को सोच समझ के जवाब दूंगी। उम्मीद करती हूँ कि तुम जवाब भी बेटे के हक में दोगी। बड़ी घुन्नी निकली है महनाज, एक ही घर में रहते हुए मुझे कानो कान खबर नहीं हुई और वो उष्णा का रिश्ता लेने पहुंच गई। आपकी बीवी ढील का नतीजा है जो एक एक करके हर कोई हमारे मुंह को आ रहा है। पहले उष्णा और फूफू कम थी क्या, आप चची भी? छोड़ूंगी नहीं, एक एक को देख लूंगी, आने दो जरा।
जा कहां रही हो मैनाज? जानती थी तुम कि सुफियान उष्णा को पसंद करता है, फिर तुम उज़ैफा का रिश्ता लेके गई क्यों वहां पे? क्या फर्क पड़ता है कौन किसको क्यों पसंद करता है? आप बात तो जरूरी ये है कि उष्णा और जैनब किसको पसंद करती हैं। तुम ये सब कुछ जानबूझ के कर रही हो ना? अरे भाभी मैं क्यों करूंगी कुछ भी? जैसे आप रिश्ता लेके गई वैसे ही मैं भी अपने बेटे का रिश्ता ले गई। जो जवाब उसने आपको दिया वो ही मुझे दिया कि सोच के बताऊंगी, तो बस इसका मतलब यही निकला ना कि उसने मेरे बेटे को रिजेक्ट नहीं किया, बस। जानती हो तुम ये सब कुछ मेरे बेटे के खार में कर रही हो, है ना? अच्छी तरह से जानती हो तुम सुफियान उष्णा की वजह से ही घर छोड़ के गया था। जानती हूं और ये भी जानती हूं कि आप उष्णा को बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। और अगर ऐसी बात थी तो फिर पहले ही उष्णा का रिश्ता मांग लेती ना जब वो यहां रह रही थी, लेकिन नहीं, आप तो उस वक्त उन लोगों को इस घर से निकालने के चक्कर में थी, है ना? अगर मैंने उस वक्त देर कर दी थी तो तुम चली जाती ना उष्णा का हाथ मांगने। अरे भाभी ये मेरी नालायक औलाद है ना, इसकी शक्ल देखिए, इसकी आंखों पर से पट्टी ही आज उतरी है इसलिए गई। तुम अच्छा नहीं कर रही हो मैनासिया। भाभी मैं क्या कर रही हूँ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। बताइए रिश्ता लेके गई थी अपने बेटे का, अब अगर उन लोगों को सुफियान पसंद आ जाएगा तो मैं जबरदस्ती थोड़ी करूंगी। क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने क्या किया है? उष्णा का नाम भी अपनी जबान से मत लेना। अब सोचने के लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत है? देखो वो मुझे पसंद करती है और मुझसे शादी करना चाहती है, इसलिए बेहतर यह कि अपने दिमाग में से ना सारी चीजें निकाल दो। बिलफर्ट में ऐसा ना करूं तो मैं तुम्हारा बुरा असर कर दूंगा। जाओ यार अपना काम करो, बड़े देखे तुम्हारे ऐसे नाकाम आशिक, वो मुझे अच्छी लगती है और बहुत जल्द मैं उसको शादी के लिए मना लूंगा। अगर तुमने उसका नाम भी अपनी जबान से लिया ना तो मुंह तोड़ दूंगा मैं तेरा। सुफियान बस सुफियान पिछड़ो बस, तुम इसके मुंह मत लगो। बेहतर होगा तुम ताईजान की बात पे तवज्जो दो। क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है? आप मैनाज से पूछे ये सब कुछ। मुझसे क्या पूछे भाभी, मैंने क्या किया है? मैनाज बात क्या है? वाह शुजात ये भी खूब है, तुम्हारी बीवी वहां उष्णा का रिश्ता लेने चली गई और तुम ऐसे अनजान बन रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। अरे तुम ही अपने इरादे बता देते हमें, लेकिन नहीं, तुम्हारी बीवी और तुम दोनों के नजदीक हमारी कोई अहमियत ही नहीं है। नहीं 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 भाभी, सच सच बताइए ना सबको, टेलर का बहाना करके कहां गई थी आप? मैं बता देती हूँ, सुफियान का रिश्ता लेकर गई थी उष्णा के लिए, गई थी ना, तो बड़प्पन आप दिखा देती, हमसे क्यों उम्मीद लगा रखी थी आपने? अपने अपने रूम में जाओ सब, एक मिनट में चलो। कमरे में आओ। क्या हो रहा है ये सब? जब मैंने तुम्हें अभी तक इजाजत ही नहीं दी थी तो उष्णा का रिश्ता लेने कैसे पहुंच गई? तो क्या गलत किया है मैंने? अच्छा हुआ ना कि चली गई, वरना मेहनाज ने बाजी मार लेनी थी। ये मेहनाज कब से उष्णा की तलबगार हो गई है? ये तो आप सोचे ना, कैसे चूटियों के भी पर निकल आए, सब कुछ जानते बूझते वो जो चलाकियां कर रही है ना, मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगी। समझ नहीं आ रहा तुम सबको अचानक उष्णा में नजर क्या आने लगा है? मैं तो अपने बेटे की खुशी के लिए गई थी, नजर तो इस मैनाज को आ रहा है, बेपनाह दौलत,
तभी तो रातों रात वो और उसका लालची बेटा पुष्णा के तलबगार हो गए। क्या मामला है ये, क्या हो क्या रहा है ये? मामला जवान बेटे का है, अगर उसे उष्णा नहीं मिली ना तो वो कुछ कर गुजरेगा। मुझे तो अपना बच्चा बचाना है ना। सिर्फ यही वजह है, सिर्फ एक यही वजह है कि सख्त फैसला नहीं ले पा रहा मैं। आप परेशान मत हो, सब कुछ मुझ पे छोड़ दें, मैं देख लूंगी। सितम गर ये कुर्बत क्या